Hello learners, welcome to management classes with Pallavi. In this video I have explained next part of forms of business organization class 11, which is partnership. Rest forms I will discuss in my upcoming videos, and jo sole proprietorship and joint Hindu family business hai wo main already aap logo ko explain kar chuki hu, uska link maine niche description box mein mention kar diya hai. तो जो पार्टनरशिप वर्ड है वो पार्टनर से आया है. पार्टनर यानी कि मैं, मेरे कलीग्स हो सकते हैं, मेरे पार्टनर्स, मेरे फ्रेंड्स हो सकते हैं, मेरे पार्टनर्स, मेरे रिलेटिव्स हो सकते हैं मेरे पार्टनर्स, ठीक है. तो इसीलिए ये बोला गया है जो पार्टनरशिप बिजनेस है वो फॉर्म है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जो दो या दो से ज़्यादा इंडिविजुअल्स के थ्रू क्रिएट होता है, फॉर्म होता है. प्लस ये जो इंडिविजुअल्स होते हैं दो या दो से ज़्यादा, ये एग्री करते हैं टू स्टार्ट अ बिजनेस. मतलब अपनी विल से, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही ये बिजनेस फॉर्म हो सकता है. आप किसी पर इम्पोज नहीं कर सकते हो कि आप मेरे साथ पार्टनरशिप बिजनेस में इन्वॉल्व होइए, ठीक है. प्लस इसमें और क्या होता है, जो पार्टनर्स होते हैं वो अपने रिसोर्सेज यानी कि अपने फंड्स पुल अप करते हैं, और जो भी प्रॉफिट्स और रिस्क होते हैं वो शेयर होते हैं उन पार्टनर्स के बीच में, ठीक है. अब जैसे कि एग्जाम्पल है, मैंने 50,000 इन्वेस्ट करा, मेरे दो पार्टनर्स और हैं ए एंड बी, ए ने 20,000 दिया एंड बी ने 30,000 इन्वेस्ट करा. तो जो भी प्रॉफिट्स एंड लॉसेज हैं या रिस्क हैं वो किस रेशियो में अब हमारे शेयर होंगे, 5:2:3 के रेशियो में. मतलब आपने जितनी कैपिटल इन्वेस्ट करी है उसी के रेशियो में ही हमारे प्रॉफिट्स और रिस्क भी शेयर होते हैं, ठीक है. अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, लेकिन उस स्लाइड पे मूव ऑन करने से पहले, अगर अभी तक से आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ है उस पर क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे चैनल से रिलेटेड लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे. नंबर फर्स्ट फीचर आ जाता है, जो पार्टनरशिप है बिजनेस, ये कौन गवर्न करता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. मतलब इस एक्ट के अंदर जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर्म हुए हैं वो पार्टनरशिप, जो भी पार्टनर्स इन्वॉल्व हैं इस पार्टनरशिप बिजनेस में, उनको वो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर्म करने होते हैं. नेक्स्ट है लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स, जो होती है वो इसमें अनलिमिटेड होती है. मतलब इन केस अगर वो अपनी लाइबिलिटीज़ कंप्लाई नहीं कर पाते, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी ऑब्लिगेशंस रीपे नहीं कर पाते हैं, तो उनको अपने पर्सनल असेट्स भी सेल आउट करने होते हैं. नेक्स्ट है बिजनेस रिस्क एंड प्रॉफिट्स जो होते हैं वो शेयर्ड होते हैं, वो मैं ऑलरेडी अभी आपको बता चुकी हूँ. जो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है फीचर, जो डिसीजंस हैं वो जॉइंटली टेकन होते हैं. मतलब ऐसा नहीं होता है इसमें, जैसे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में होता है कि करता ही सब डिसीजन लेता है. इसमें ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं, तो वो जॉइंटली उनके म्यूचुअल कंसेंट से ही कोई ना कोई डिसीजन लिया जाता है. नेक्स्ट है लैक ऑफ कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस. मतलब अगर एक पार्टनर को उनकी डेथ हो गई या बिजनेस लॉसेज में चला गया, या फिर कुछ नेचुरल कैलामिटी आ गई, बिजनेस आगे नहीं रन कर पा रहा है, नहीं आगे सर्वाइव कर पा रहा है, तो उस केस में क्या होता है, बिजनेस को क्लोज करना पड़ता है. हाउएवर इसमें एक केस ये आ जाता है कि अगर बाकी के पार्टनर्स को बिजनेस कंटिन्यू करना होता है तो उनको दोबारा रिमेनिंग पार्टनर्स को पार्टनरशिप एग्रीमेंट फॉर्म करवाना होता है, ठीक है. नेक्स्ट फीचर ये आ जाता है कि पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मिनिमम दो एडल्ट मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है. नेक्स्ट है कि जो भी पार्टनरशिप बिजनेस फॉर्म होता है वो म्यूचुअल एसोसिएशन से ही फॉर्म होता है. मतलब जो भी पार्टनर्स हैं, दो या दो से जितने भी ज़्यादा पार्टनर्स हैं, उनकी म्यूचुअल कंसेंट से ही ये पार्टनरशिप बिजनेस फॉर्म होता है. अब बात कर लेते हैं मेरिट्स एंड लिमिटेशंस के. मेरिट्स मतलब एडवांटेजेस या अच्छाइयाँ इस बिज़नेस की. तो पहले ये आ जाता है इसमें मेरिट, फॉर्मेशन और क्लोजर बहुत ईजी होता है. फॉर्मेशन के लिए मतलब ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ कंप्लायर नहीं करनी पड़ती हैं, और अगर आपको ये बिज़नेस क्लोज भी करना है तो म्यूचुअल कंसेंट ऑफ ऑल दी पार्टनर्स ये बिजनेस क्लोज हो सकता है. नेक्स्ट है जो डिसीजन मेकिंग होती है वो बैलेंस्ड होती है. क्यों? क्योंकि इसमें सारे पार्टनर्स मिलकर डिसीजन लेते हैं. नेक्स्ट मेरिट आ जाता है जो भी रिस्क है लॉसेस का, या फिर और अदर कॉम्पिटिटर्स का जो भी रिस्क होता है, गवर्नमेंट रिस्क होता है, वो सारे पार्टनर्स के बीच में शेयर होता है, किसी एक पार्टनर के ऊपर बर्डन नहीं आता है. नेक्स्ट आ जाता है आपका जो फंड्स हैं उनकी ग्रेटर अवेलेबिलिटी हो जाती है. जैसे कि कैपिटल, मैंने आपको बताया कि जो भी जितने भी पार्टनर्स होते हैं वो अपनी कैपिटल पूल करते हैं, मतलब रिसोर्सेज पूल करते हैं, तो इससे ग्रेटर फंड्स की अवेलेबिलिटी हो जाती है. नेक्स्ट मेरिट ये आ जाता है कि ये इस बिजनेस में एक कॉन्फिडेंशियलिटी रहती है, एक सीक्रेसी रहती है इन्फॉर्मेशन की. क्यों? क्योंकि जॉइंट स्टॉक कंपनीज की तरह इस पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर्स को अपने जो अकाउंट्स हैं वो डिस्क्लोज नहीं करने होते हैं पब्लिक में. नेक्स्ट आ जाता है ये वाला बिजनेस इंजॉय करता है ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी. क्यों? क्योंकि जो गवर्न करती है एक्ट इस बिजनेस को, पार्टनरशिप एक्ट 1932, उसके अंदर इतने ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है. अब बात कर लेते हैं लिमिटेशंस की, यानी कि डिसएडवांटेजेस की, कमियों की. तो पहला जाता है जितने भी पार्टनर्स हैं उनकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी है. मतलब उनको अपने पर्सनल असेट्स भी पे करने पड़ते हैं
हैं अपने डेप्थ को रीपे करने के लिए। नेक्स्ट है जो अवेलेबिलिटी है फिनेंस की वो लिमिटेड होती है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है आप लोगों को, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि जितने पार्टनर्स होते हैं वो अपने उतने ही फंड्स पूल करते हैं, तो उससे ग्रेटर अवेलेबिलिटी होती है फंड्स की। लेकिन अभी मैं आपको बता रही हूँ कि अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स लिमिटेड होती है। क्यों? क्योंकि जो पार्टनरशिप एक्ट है उसने कुछ लिमिटेशंस इम्पोज कर रखी हैं, जैसे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होंगे, और अगर आप किसी नए पार्टनर को एडमिट कर रहे हो तो उनके लिए भी एक मैक्सिमम नंबर उन्होंने मेंशन कर रखे हैं, ठीक है। तो हम फॉर एग्जांपल तीन पार्टनर्स तो हम ऑलरेडी हैं, तो तीन से तो हमारे पास 20,000 आ जाता है। अब बाकी के अगर पार्टनर्स की बात करते हैं तो एक मेरे पास मैक्सिमम एक मेरे पास लिमिट दे रखी है एक्ट ने कि मैं इतने ही पार्टनर्स को इन्वॉल्व कर सकती हूँ अपने बिजनेस में। तो फॉर एग्जांपल मैं दो ही पार्टनर्स को और इन्वॉल्व कर सकती हूँ, तो मेरे पास वो भी 20,000 दे रहे हैं, तो मेरे पास एक रिस्ट्रिक्शन हो गई कि मैं इतने ही कैपिटल गेन कर सकती हूँ, वो इतने ही कैपिटल में मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका कभी कभी जो जब डिसीजंस लिए जाते हैं तो उन डिसीजंस की वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, क्लैशेस हो जाते हैं, डिफरेंसेस आ जाते हैं व्यूज़ में, ठीक है, अमंग दी पार्टनर्स। नेक्स्ट आ जाता है जो बिजनेस है वो डिसकंटिन्यू भी हो सकता है इन केस ऑफ किसी पार्टनर का रिटायरमेंट हो गया, किसी की डेथ हो गई, किसी की इंसॉल्वेंसी हो गई, ठीक है। नेक्स्ट लिमिटेशन ये आ सकती है कि जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि इसमें हम डिस्क्लोज नहीं करते पब्लिक को अकाउंट्स, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए अच्छाई भी है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे लिए दिक्कत भी पैदा करता है। क्यों? क्योंकि ये जब हम पब्लिक को नहीं बताएंगे अपने अपने वर्किंग्स के बारे में, तो पब्लिक का हम फेथ और कॉन्फिडेंस नहीं जीत सकते, तो ये एक तरीके से ये हमारे लिए लिमिटेशन का भी वर्क करता है। अब हमारा नेक्स्ट सब पार्ट आ जाता है टाइप्स ऑफ पार्टनर, तो ये मैं आपको एक टेबल के थ्रू एक्सप्लेन करूँगी। बेसिकली हमने यहाँ पर 6 टाइप्स ऑफ पार्टनर लिए हैं, एक्टिव, स्लीपिंग, सीक्रेट, नॉमिनल, पार्टनर बाय एस्टोपल एंड पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। ये हमारे तीन हेड हैं, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग। तो एक्टिव पार्टनर की अगर हम बात करते हैं, पार्टनर्स वो पार्टनर्स होते हैं जो कैपिटल को भी कंट्रीब्यूट करते हैं, मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट करते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस की भी शेयरिंग करते हैं, ठीक है। मतलब ये एक्टिव रहते हैं हर एक चीज़ में जो चाहिए होती है बिजनेस को रन करने के लिए। नेक्स्ट है स्लीपिंग पार्टनर, तो ये कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं लेकिन ये मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, मतलब जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं उसमें इनको इन्वॉल्व नहीं किया जाता है, और जो प्रॉफिट एंड लॉस होते हैं वो ये शेयर करते हैं। नेक्स्ट है हमारे सीक्रेट पार्टनर, तो ये जो पार्टनर होते हैं कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, ये मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं पर सीक्रेटली, और प्रॉफिट और लॉस भी ये शेयर करते हैं। नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं नॉमिनल पार्टनर, तो ये नॉमिनल पार्टनर होते हैं ये कैपिटल में कंट्रीब्यूट नहीं करते, ना ही मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, ना ही प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ इनको एक्सप्लेन करने के लिए, जो सेलिब्रिटीज़ होती हैं ये अपना गुडविल, अपना नेम देती हैं कंपनी को, और उस नेम के बिहाफ पे कंपनी जो है अपने बिजनेस का प्रमोशन करती हैं। तो नॉमिनल पार्टनर्स वो पार्टनर्स होते हैं जो अपना नेम या अपनी ब्रांड या सॉरी अपने गुडविल एज ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर आ जाता है हमारा पार्टनर बाय एस्टोपल एंड पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, तो समवॉट ये दोनों सिमिलर हैं लेकिन बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है दोनों में। क्या डिफरेंस है कि जो पार्टनर बाय एस्टोपल होते हैं वो फॉल्सली रिप्रेजेंट करते हैं अपने आप को एज अ पार्टनर, कि वो कंपनी के पार्टनर हैं, किसको, थर्ड पार्टी को। यहाँ पर एस्टोपल में जो होता है थर्ड पार्टी का रोल आता है। जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाती हूँ, ए बी कंपनी है, ठीक है, अब जो सी है वो हमारा पार्टनर पर एस्टोपल है, वो फॉल्सली रिप्रेजेंट कर रहा है अपनी कंपनी को थर्ड पार्टी से, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पर हमारा सी कौन हो गया, पार्टनर बाय एस्टोपल। अब बात करते हैं पार्टनर बाय होल्डिंग आउट की, तो इसमें क्या होता है कि जो ए और बी जो ऑलरेडी एक्टिव पार्टनर्स हैं, जब वो ये चीज़ बोलते हैं कि जो सी है वो हमारी कंपनी का एक पार्टनर है, या फिर उसको हमारी कंपनी के अप्स एंड डाउन्स के बारे में सब पता है, और ये सब जानने के बाद सी अगर साइलेंट रहता है, तो इस केस में जो सी है वो कौन है, वो हमारा पार्टनर बाय होल्डिंग आउट है, ठीक है। अब दोनों में क्या सिमिलैरिटी है एस्टोपल एंड होल्डिंग आउट में, कि जो भी थर्ड पार्टी को लॉसेस होते हैं उनको ये पार्टनर पर एस्टोपल एंड पार्टनर पर होल्डिंग आउट भी उन उस लॉसेस को बेयर करते हैं, यानी कि उन लॉसेस के लिए ये लोग भी लायबल होते हैं। तो ये एक माइनर सा डिफरेंस है दोनों में, पार्टनर बाय एस्टोपल एंड पार्टनर बाय होल्डिंग आउट में।
प्लस ये जो पार्टनर है स्टॉपल एंड होल्डिंग आउट, ये ना कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं या ना मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं और ना प्रॉफिट्स शेयर करते हैं। अब नेक्स्ट सब पार्ट में हम बात करेंगे पार्टनरशिप डीड के बारे में। तो पार्टनरशिप डीड एक वो लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो क्या कंटेन करता है, वेरियस टर्म्स एंड कंडीशंस जो पार्टनर्स को फॉलो करना होता है, ठीक है। तो ये एक तरीके से एक ये क्लियर कट पार्टनर्स को टर्म्स एंड कंडीशंस बता देता है जिनको उनको फॉलो करना पड़ता है, और इस वजह से क्या होता है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग और कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो सकते हैं वो सब दूर हो सकते हैं, वो सब प्रिवेंट हो सकते हैं, ठीक है। अब ये पार्टनरशिप डीड में क्या क्या कॉम्पोनेंट आते हैं, जैसे कि नेम ऑफ द फर्म क्या नेम है, नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज और प्लेस, ड्यूरेशन कितनी है पार्टनरशिप की, कैपिटल कौन पार्टनर कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है, क्या रेशियो होगा प्रॉफिट और लॉस का, ठीक है, ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी, सैलरी क्या होगी, टर्म्स ऑफ एडमिशन एंड एक्सपल्शन क्या होगा, इंटरेस्ट कितना अर्न होगा कैपिटल पे और कितना ड्रॉइंग्स पे चार्ज होगा, ठीक है, डिसोल्यूशन के समय क्या क्या स्टेप्स फॉलो होंगे, अकाउंट्स प्रिपरेशन एंड ऑडिटिंग के बारे में मेंशन होता है, और कि किस तरीके से कौन कौन से मेथड से इन लोगों के बीच अगर जो डिस्प्यूट्स अकर हो जाते हैं तो उनको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो ये सब चीज़ें पार्टनरशिप डीड में क्लियर होती हैं, और इस इन सब पॉइंट्स की वजह से अगर कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है पार्टनर्स के बीच में या कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकते हैं इन नियर फ्यूचर, वो सब रिजॉल्व हो जाते हैं, वो सब नहीं होते हैं, वो सब प्रिवेंट हो जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है, इसमें सब पार्ट आ जाता है रजिस्ट्रेशन। तो पार्टनरशिप फॉर्म को जब हम रजिस्टर करवाते हैं तो ये टू स्टेप प्रोसेस है, जिसमें पहला स्टेप क्या आ जाता है, सबमिटिंग एन एप्लीकेशन। एक एप्लीकेशन रजिस्ट्रार ऑफिस में सबमिट करनी होती है सारे पार्टनर्स को, और उन सब पार्टनर्स के साइन होने होते हैं उस एप्लीकेशन में। वो एप्लीकेशन में क्या क्या कंटेंट्स होते हैं, नेम क्या है फॉर्म का, लोकेशन कहाँ पर है, नेम ऑफ प्लेसेस वेयर द फॉर्म कैरीज आउट बिजनेस, डेट ऑफ जॉइनिंग ऑफ ऑल द पार्टनर्स, नेम एंड एड्रेस ऑफ ईच पार्टनर, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। अब जब ये सब रजिस्टर ऑफिस चला जाता है, उसके बाद क्या होता है, जो पार्टनर्स हैं वो फीस एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करते हैं। उसके बाद जब एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट हो जाती है, सब डिटेल्स चेक हो जाती हैं, जो रजिस्ट्रार होता है वो जो भी नाम होता है फर्म का उसको रजिस्टर में एंटर करता है और सर्टिफिकेट इशू कर देता है ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब ये तो हमने बात कर ली कि कैसे रजिस्टर्ड करवाते हैं। अगर इन केस कोई ऐसी पार्टनरशिप फॉर्म है जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर्ड नहीं करवाती है, तो उस केस में उसको कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ सकते हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो पहली प्रॉब्लम ये आ जाती है, जो पार्टनर्स हैं वो थर्ड पार्टी यानी कि थर्ड ऑर्गेनाइजेशन हो गई या आउटसाइड पार्टी है, उनके अगेंस्ट कोई भी केस फाइल नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंस ये आ जाता है, जो फॉर्म है वो जो पार्टनर्स हैं उसके अगेंस्ट कोई केस नहीं फाइल कर सकती है। और थर्ड कॉन्सिक्वेंस ये आ जाता है, जो फर्म है वो जो बाकी की फर्म्स हैं उनके अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकती है, ठीक है। अब नेक्स्ट सब पार्ट आ जाता है, रोल ऑफ माइनर इन पार्टनरशिप फॉर्म। तो एज पर द पार्टनरशिप एक्ट 1923, कोई भी माइनर जो है पार्टनरशिप फॉर्म में अगर इन्वॉल्व होना चाहता है तो वो पार्टनर की तरह ट्रीट नहीं होगा। हालाँकि विद दी कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स वो प्रॉफिट्स शेयर कर सकता है, लेकिन वो ना तो लॉस बेयर करेगा और ना ही अपने कैपिटल को कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है, पुल अप करेगा। अब नेक्स्ट सब पार्ट हमारा जाता है सूटेबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप, मतलब पार्टनरशिप बिजनेस कहाँ कहाँ सूटेबल होता है। तो अगर किसी को स्मॉल और मीडियम स्केल का बिजनेस करना है तो वो पार्टनरशिप बिजनेस में आ सकता है। नेक्स्ट है कि अगर हमको ऐसे मेंबर्स चाहिए बिजनेस फॉर्म करने के लिए जो डिफरेंट डिफरेंट क्वालिफिकेशन से हों, तो उस केस में पार्टनरशिप बिजनेस एग्जिस्ट हो सकता है, फॉर्म हो सकता है, ठीक है। तो ये था रिगार्डिंग दी पार्टनरशिप। बाकी की फॉर्म्स आई विल डिस्कस इन माई नेक्स्ट वीडियोज़। आई होप आपको वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ इस लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें को भी करिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।